तो ये शर्मा के फूल लगे हुए हैं, इसके ऊपर लगी है मधुमक्खी। इसमें से शहद निकाल रही है, आवाज आ रही है ना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम बैक है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अब मैं हूँ सीधा खेत में, 9 बज चुके हैं, मेरे हाथ में कैंची, अब मैंने काटने हैं पैकेट जो आज हमने बीजने हैं। तो ये दिसंबर का महीना, पहली बार ऐसा हो रहा है कि धूप निकल रही है। आज हो गई है 16 दिसंबर और आज है सैटरडे, तो कल संडे है, कल वानी का जाएगा। तो दिसंबर के महीने इतनी अच्छी धूप निकल रही है, सुबह और शाम को ठंड होती है, रात को और दिन में अच्छी भली गर्मी हो जाती है। तो इससे ये हो रहा है कि हमारा जो प्याज वगैरह वो अच्छी तरह बढ़ रहा है। तो चलो अब उसको काटते हैं, दिखाता हूँ आपको। बंद को भी बीज दिया मैंने, तो मेरे पास यार यही है जो मैं करता हूँ, वही आपको दिखाता हूँ, बेफालतू कोई चीज़ नहीं है मेरे पास। तो ये गोभी यहाँ से थी, ये सारी इसमें से जो ब्रीक ब्रीक पौध था वो रह गया है, बाकी सारा बिक गया है। तो गाइस, जो हमने ये पॉली हाउस बनाया इसमें बहुत ही अच्छा टमाटर तैयार हो रहा है। आज हम इसको मतलब आज इसमें से अलीट मारेंगे हम, तो अभी इसमें आपको दिखाई नहीं देगा, मैं बाद में आपको उठा के दिखाता हूँ। इसके ऊपर ओस पड़ी हुई है, वो दिखा देता हूँ। देखो ये ओस पड़ी हुई है, मैं गिल्ले नहीं हाथ करना चाहता क्योंकि बीज मेरे को फिर मिक्स करना है, फिर गिल्ला मेरे हाथ पे लग जाएगा, रेत वगैरह सारा ख़राब हो जाएगा। फिर यह धूप, बाबा बैठे हुए इधर, पापा उधर आ गए हैं मंजे पे। तो कुछ इस तरह है हमारी गांव की ये सुबह। तो ये रहा बंद गोभी का बीज, मींस सीड्स उसके, देखो कैसे ट्रीट हुए हैं ये। इसके ऊपर हल्का सा इन्होंने ना वो पॉइजन वगैरह लगाया होता है, मतलब दवाई होती है ये, कीड़े कूड़े ना उठाएं उसके कारण, और इसको कीड़ा वगैरह ना लगे उसके लिए दवाई होती है ये। सारा बंद गोभी का है, ये दोनों एक ही कैरे का है। बीज लगा के मैं फ्री हो गया हूँ, तो आपको टमाटर दिखाते हैं। और कस्टमर आए हुए हैं, कस्टमर आ रहे हैं गोभी लेने के लिए। पर आपको टमाटर दिखाता हूँ अंदर शेड में कितना अच्छा हो रखा है जी। आपको ले चलते हैं आप शेड में। ये अभी मैंने कस्टमर को दिखाया था, ये रही अंदर से शेड, दिख रही है ना पूरी, और ये रहा टमाटर। भी हल्का हल्का हुआ है, तो अभी कस्टमर आया है उन्ना डिस्ट्रिक्ट से, तो मैंने उनका सामान पैक किया है। जैसे ये 600 है पौध, तो ये मादरी है, ये 600 मादरी, कौन सी है ये वाली, ये क्वालिटी है मादरी क्लोज कंपनी की। और ये 1500 पौध है, इस पर 1500 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये भी क्लोज कंपनी की है। और ये डाली मैंने एक सैंपल कि फूल वाले पौध अच्छे हो जाते हैं, लग जाते हैं, हाँ ये भी लग जाते हैं, तो उनको सैंपल देने के लिए 10 पौध डाले हैं। ये डाले हैं युवराज के, ये वाली है ईस्ट वेस्ट युवराज। घर आ गया हूँ, मम्मी का हाथ आ गया हल्दी वाले, मम्मी ने हल्दी काटी है, हल्दी बनी है आज इस बार घर पे, कच्ची हल्दी। दस्ताने पहन के फिर भी हल्दी लग गई मम्मी का, नहीं फ्रेश हल्दी कितनी अच्छी लग रही है ना, हल्की हल्की मेरे भी लग गई। जब खाते हैं खाना, देखते हैं क्या बना हुआ। लो जी, आज बने ने गर्मा गर्म चावल नाल देसी घी है, हल्का जो ऊपर रख दें। हाँ देखो हूँ हो गया है, मेल्ट हो जाएगा, कैसे भाप निकल रही है ना, कितना अच्छा लग रहा है। खा के फिर मिलते हैं आपको। तो अभी आ चुके हैं हम खेत में, 2 बज गए हैं यार, मेरे को याद भूल गया कि पंप भी लेके आना है, तो अब घर जाके आता हूँ, पंप लेके आता हूँ और इन तीन कैरों को पानी भी छोड़ना है आज। तो ये शर्मा के फूल लगे हुए हैं, इसके ऊपर लगी है मधुमक्खी, ये देखो।
इसमें से शहद निकाल रही हैं ये, आवाज आ रही है ना इनकी। अपने डंग के साथ इसमें से शहद निकालती हैं। देखो एक एक पत्ते में से जा जा के निकाल रही है। इस गांव में मेरा छोटा सा फैन है देखना, उसको हाथ मारूंगा। देखा नहीं अभी, उसमें मिर्ची लग गई उसको, देखना फिर नहीं देख रहा। ये देखो कैसे निकल रहा है इसमें से, एक एक पत्ते को चेक किया जा रहा है। तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट साइड, चूल्हा मतलब गैस ख़राब थी तो बर्नर वगैरह उसका एक उसमें गैस कम आ रही है तो वो चेक करवाने हैं जाना है। और देखो कितनी बड़ी हो गई है, और अब इसको छोड़ नहीं सकते बाहर क्योंकि ना तो ये उड़ना जानती है, आपको पता मैं इसको 2-3 बार खेत ले गया, उड़ना तो जान नहीं, मतलब दूसरे इसको पक्षी फिर मारने को पड़ते हैं, और इसकी जान बहुत ही मुश्किल से बची है। अब हम इसको घर पर ही रखते हैं। तो चलो अब चलते हैं मार्केट साइड, इसने अपना खाना खा लिया है अब, और पीछे मम्मी ने पर्दे चेंज कर दिए मेरे रूम के। तो चलो अब चलते हैं। बनती हैं देखो डाटी खुरपा, और यहाँ पे लोहे को काट के उसके जो साइज है वो बनाए जाते हैं। ये पड़े हुए देखो, ये डाटी, ये खुरपा पड़ा हुआ है, ये डाटियाँ हैं सारी, वो रेडी करके रखी है अंकल ने। तो हमारी जो पुरानी है ये, इसको डाटी को हत्था लगाना है ऐसे वाले, देखो ये लग बैठ पड़ी हुई है ये वाली, ये हत्था नए वाला लगाना है, और ये हत्थे पड़े हुए हैं, और ये मेरे को लगता है दुकान बहुत पुरानी है। देखो ये पट्टी है, ये हो गया उसका काम शुरू, टिक्की हो रही है अभी। तो ये लग गया हत्था, क्या हत्था, पाँच छः मिनट में ये तो नहीं होगी ये। मैं और मम्मी आ गए मार्केट से, तो अब मुझे को जाना है मार्केट फिर से सामान लेके आना है, तो चलो फटाफट चलते हैं। अब थोड़ा सा जो सामान रहता है मार्केट से वो लेके आना है, गाड़ी लेके जाऊंगा मैं। तो अभी मैं गाड़ी लेके आ चुका हूँ, और मैंने ग्रोसरी ले ली है, और अब मैं जा रहा हूँ घर। तो टाइम हो चुका अभी 6:11, तो ये हमारा टर्न हुआ गाँव के लिए। पीछे मेरे आ रही है एक्टिवा, मैं घर आ गया हूँ। क्या बन रहा है? तो आज क्या बनी? गोभी, गोभी बनी हुई। ये देखो ये कौन है, ये कौन है भाई? दादी कितना नाम नाम कर दे, नाम नाम तो कर दो। देखो गणेश को कैसे जब पिटा दी, नाम नाम तो कर दो भाई। अच्छा विशाल हुआ कुमार दे, शाल शाल तो बोल दे, शाल कितना है सुंदर, शाल का है शाल, नहीं बोल रहा बोली शाल, मूड नहीं है गाने का अपने आप। तो अभी मेरी थाली रेडी हो गई, गोभी मटर बने हुए हैं, मूली मटर चावल, और जी बन गई है हल्दी। मम्मी ने इसको कद्दूकस से रगड़ के, तो उसके बाद इसको देसी धनिया पर भून लिया है। बाकी सारा मैं मटीरियल लेके आ गया हूँ, कल सुबह बनाएंगे बाकी, ठीक है कल बनाते हैं आपको। मतलब इसमें देसी घी में जब तक ऐसे ब्राउन कलर हो नहीं जाता ऐसे इसको भून लेना है।
चलो इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और देखो ये यहाँ पे आके बैठी हुई है और पूरे घर में घूमती है। तो चलो आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।